गुड इवनिंग साथियों, सेवन सीज कॉड लीवर ऑयल एक कैप्सूल, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। अगर कोई इस कैप्सूल के बारे में जानना चाह रहा है तो सारी साइंटिफिक जानकारी कि कब दी जाती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकता है, कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है और कितनी इसकी कीमत होती है, सारी बातें करने वाले हैं। और साथ में ये भी कि कॉड लीवर ऑयल और फिश ऑयल में क्या मोटा डिफरेंस होता है। सेवन सीज कॉड लीवर ऑयल कैप्सूल की बात करें तो सेवन सीज तो कंपनी का नाम है, कॉड एक फिश है जो समुद्र के अंदर रहती है और उसके लीवर में से ऑयल निकाल के कैप्सूल के रूप में बेचा जाता है। अब इसके अंदर तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो शरीर के अंदर साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत तरह के ये हमारे शरीर में इसके हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। एक कैप्सूल में 300 मिलीग्राम है। दूसरा इसमें होता है विटामिन ए, जो कि आंखों के लिए अच्छा है और भी एक दो काम शरीर के लिए अच्छा करता है। और विटामिन डी, विटामिन डी हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि सेवन सी कॉड लीवर ऑयल है उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपको मैं समझाता हूँ कि शरीर में फैट की भी जरूरत होती है, जैसे प्रोटीन की कार्ब की होती है, वैसे फैट की भी जरूरत होती है। और फैट कई तरह के होते हैं। आप लोगों ने मोटा मोटा ये सुना होगा कि फैट खाने के लिए बेकार होता है या नहीं खाना चाहिए, तला भुना कम खाना चाहिए, लेकिन फैट की जरूरत भी होती है। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है कई तरह के हो सकते हैं। ये उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका नाम दिया गया है, EPA और DHA। ये दो तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड है मोस्टली जो कैप्सूल के रूप में मिलता है और जो हेल्थ बेनिफिट ज्यादातर इन्हीं का रहता है। हालांकि सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, पर मोस्टली आपको कैप्सूल्स के अंदर यही मिलेंगे। अब इसमें आपको ये समझना है कि जो EPA DHA है ये हमारे शरीर के न्यूरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, मतलब दिमाग के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। शरीर के अंदर ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो कोई भी क्रोनिक बीमारी होगी, चाहे वो हड्डियों से संबंधित हो, आपके जोड़ों से संबंधित हो, मांसपेशियों से संबंधित हो, या ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या लकवे की समस्या है, कोई भी क्रोनिक बीमारी में इसका रोल रहेगा, उसमें ये काम आएगी। तो इसलिए जब भी आप ध्यान देंगे कि ये जो इस तरह के कॉड लीवर ऑयल या अभी सेवन सीज कॉड लीवर ऑयल की मैं बात करता हूँ, स्पेशली कैप्सूल को बताने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इंडिया में पॉपुलर बहुत है, तो आप किसी और दूसरी कंपनी का भी लोगे तो जानकारी ये सेम रहने वाली है। सेवन सीज सिर्फ कंपनी का नाम है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो इसके यूज की बात करते हैं, क्यों रिकमेंड करी जाती है डॉक्टरों द्वारा या बिना उनके सलाह के भी अपन ले सकते हैं इसको। तो इसका मेन फायदा ये है कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है या इन्फ्लेमेशन है ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको कम करता है, इसलिए इसका मल्टीपल बेनिफिट है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेकार वाला उसको कम करती है, शरीर के अंदर स्पेशली जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है उसके लिए अच्छा है, जो स्किन है उसके लिए अच्छा है, हेयर अगर किसी के फॉल हो रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, जो एजिंग है वो डिले हो जाएगी, वियर टियर की जो प्रॉब्लम है। और साथ में विटामिन ए है तो आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन डी है तो हड्डियों के लिए अच्छा है। तो कॉड लीवर ऑयल के ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका शरीर में ये बेनिफिट है। इसलिए जब डॉक्टर्स मोस्टली रिकमेंड करते हैं तो आप देखोगे कि कोई क्रोनिक बीमारी के लिए लिखेंगे, जैसे कोई हड्डी की बीमारी हो, स्किन के डॉक्टर्स लिख देंगे, बाल झड़ने के लिए लिख देंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लिख देंगे, जो दिमाग के डॉक्टर्स होते हैं वो लिख देंगे कि किसी को कोई मानसिक बीमारी हो रही है, दवा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वैसे लोग इसको अपने से भी हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। अब फिश ऑयल और कॉड लीवर ऑयल में क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। फिश ऑयल भी फिश से निकलता है, कॉड लीवर ऑयल भी कॉड नामक फिश से निकलता है बट उसके लीवर से निकलता है। तो फिश ऑयल में सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी रहता है। मोटा मोटा ये डिफरेंस है। फिश ऑयल वगैरह आप जब भी किसी कैप्सूल में देखोगे फिश का नाम लिखा रहता है कि सालमन है, सार्डिन है, या मैक्रेल है, या कोई और फिश का नाम रहेगा वो लिखा रहेगा कि इस फिश से हमने लिया है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। मोटा मोटा आप ये समझो कि एक जैसा ही काम करते हैं। कॉड लीवर ऑयल में विटामिन डी और विटामिन ए एक्स्ट्रा हो जाता है। विटामिन डी स्पेशली इम्पोर्टेंट है इंडिया की बात करें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में विटामिन ए की काफी कमी पाई जाती है। अब एक दो क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि ये सेवन सीज जो कंपनी इसका कॉड लीवर ऑयल कैसा है या ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसा है। तो पुरानी कंपनी है, काफी पॉपुलर है, कीमत भी इसकी ठीक रहती है, कीमत 3 या 3.5 रुपए पर कैप्सूल पड़ेगी। बाकी कंपनियों की भी लोगे तो उसकी भी इसी रेट में ही पड़ती है। एक कैप्सूल में 300 मिलीग्राम होता है। डोज की बात करें तो एक कैप्सूल से लेके 3 कैप्सूल पर डे तक होती है। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो 2-3 जितना भी रिकमेंड करेंगे उतना कर देंगे।
आप नॉर्मली हेल्थ बेनिफिट के लिए लेना चाहते हो कि आपकी स्किन ठीक रहे या हेयर ना फाल हो, जॉइंट्स वगैरह अच्छे रहे, तो एक कैप्सूल सफिशियंट है। खाना खाने के बाद आप पानी के साथ ले लें और लंबे समय तक इसको ले सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आता, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट आता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये दवा खाने से एलर्जी हो जाए कोई स्पेशल कंपनी की दवा खाने से, तो वो बात बिल्कुल अलग है। उसके अलावा कभी गैस वगैरह बन जाए, पेट में दर्द हो, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाए, हेडेक हो सकता है, रेयर केसेस, वैसे साइड इफेक्ट नहीं है। इसको काफी लंबे समय तक भी खाया जा सकता है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिश के अंदर पाया जाता है, और भी बहुत अच्छे सोर्स हैं, पर फिश में काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। जैसे अपने देश में बात करें कि हमें कहाँ से मिलेगा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर कोई कैप्सूल ना लेना चाहे, तो उसके लिए फिर ये काजू, बादाम, अखरोट है, या जो अलसी का बीज है, फ्लेक्स सीड है, चिया सीड, इन सब में भी होता है, अंडों में होता है, बाकी भी मछलियों में होता है लेकिन कम होता है, और आर्गन मीट, जो ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनके आर्गन मीट में काफी ज्यादा होता है, और दूसरे मीट में भी मिल जाएगा। तो कहने के मतलब है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है। मल्टीपल स्टडी हो चुकी है कि इसके हेल्थ बेनिफिट आते हैं, लोगों को पता चलता है, और बहुत अलग अलग बहुत अच्छे बेनिफिट है। खाने से ले पाए तो ठीक है, नहीं ले पाएंगे तो कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। अगर कोई 7C कॉड लीवर ऑयल के बारे में कुछ जानना चाह रहा होगा, उसके क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।